बोर होके डिस्टर्ब होके टेंशन में आके कोई काम पूरा नहीं कर सकता। एंड इफ डिफिकल्टी है, इफ कोई प्रॉब्लम है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे तो लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए खुद डिसाइड करो सभी कि कहां जाना है। टीचर तो कह ही देंगे कि तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू मैट्रिक फेल होने वाला है, तू 12th में फेल होने वाला है, तू ज्यादा से ज्यादा 8th-8th तक पढ़ेगी। अभी के परिस्थिति के हिसाब से अगर गलत कुछ देखेंगे तो कहेंगे, और वरना अच्छे विद्यार्थियों के प्रति कहेंगे कि तुम तो बड़े होनहार हो, तुम बहुत आगे तक जाओगे, वैज्ञानिक बनोगे, इसरो में जाओगे, DRDO में जाओगे, एटॉमिक रिसर्च एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाओगे, भारत के अलग अलग जो सरकारी विभाग है उनमें अफसर बनोगे। वो तो उनका आकलन है ना, लेकिन अपना जो है मूल्यांकन क्या है खुद का, सोचना पड़ेगा। और जब हमारे जैसे शिक्षकों से जब कोई आके बैठेगा और वो चाहेगा कि हमसे कुछ लेना है, तो वो हमसे लेके जाएगा। अगर कोई हमसे आके और हमारे ऊपर जाहिलियत थोपेगा, अनपढ़पन थोपेगा, शब्द शैली को निचले स्तर पे ले जाने के लिए मजबूर करेगा, बोली विचार में प्रेरणा रहित तौर तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर करेगा, इस शर्त के साथ कि उनका भी सामाजिक इंक्लूजन हो, कि वो भी स्टूडेंट है। क्या है, हम थोड़े देहात के हैं तो क्या हुआ, हमारे साथ ज्यादा अंग्रेजी बोल देंगे, सर तो बोलिए भोजपुरी में ही, और ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे तो कोई मुंह फुला लेगा, सर तो बहुत ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। तो भाई हम क्या दें तुमको, क्या लेने आए हो हमारे यहां, तमाशा, डांस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, कपिल शर्मा का जोक, या रोज रोज वही बूढ़े इंसान की तरह चिंतन करते हुए, बेटा संभल जाओ, बेटा संभल जाओ, कुछ करो बेटा, वही मेरे हमारे माध्यम से हमारे चेहरे पर तनाव देख के आनंदित, बहुत खुश होना और खुश करके खुद को घर जाना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो, क्या चाहते क्या हो। लोग कपड़ा चुन के खरीदते हैं, खाना स्वाद अनुसार खाते हैं, दूसरे का अनुसार भी चुन लेते होंगे, दूसरे का अनुसार भी खा लेते होंगे, रोज रोज नहीं चलेगा। वह दुकान छोड़ देंगे वैसा, जहां पे अपने शर्तों पे, या वो मार्केट छोड़ देंगे जहां पे मजबूरी में दूसरे के बात पे कपड़ा खरीदना पड़ता हो, या वैसा घर, या वैसे रसोई, या वैसे इंसान को छोड़ देंगे जिसके माध्यम से वैसा खाना मिलता हो, जो अलग दूसरों के विचार पे आता हो। तो उसी प्रकार से चाहे कोई भी कारण रहा हो, जब स्कूल का चयन कर लिए कि ये मेरा स्कूल है, जब कोचिंग सेंटर का चयन कर लिए कि ये मेरी कोचिंग सेंटर है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होता होगा कि मेरी ये स्कूल मेरे घर से निकट है, सबसे निकटतम स्कूल यही है, यह भी एक कारण है। दूसरा कि भाई निकटतम है फिर भी ये बहुत अच्छा यहां पढ़ाई होता है, क्यों पढ़ाई अच्छा होता है, तो शिक्षक अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं तो शिक्षकों की आखिर में अलग अलग शिक्षकों से हमारे को अलग अलग क्या विशेष चीजें मिल रही हैं। हर एक इंसान की कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर अलग अलग शिक्षकों की विशेषताएं क्या हैं, उनकी विशेष खूबियां क्या हैं, और उन खूबियों के माध्यम से हमें क्या लेना है, वो हमें तो निर्णय करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वह हमारा चयन है, वह हमारा सिलेक्शन है, चॉइस है। तो यहीं पे आप लोग आते हो, क्यों आते हो, ये आप सभी को डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका चॉइस है। आप लोगों को बंदूक के नोक पे नहीं बुलाया जाता है यहां पे,
फरमान नहीं सुनाया जाता है, तो यहां क्यों आते हो? यह निर्णय करके आया करो, और आते भी हो तो जो भी शिक्षक यहां पढ़ा रहे हैं या जो जुड़े हुए हैं जिनसे सीखना है, उनसे क्या लेना है वो उनके चरित्र को समझने का पहले प्रयास किया करो, वरना तो वही बात हो गई। भाई साहब कपड़ा लेना है, हाँ जी बताइए कौन सा कपड़ा लेना है। अब ये तो आप ही ना बताइएगा क्या कपड़ा दीजिएगा हमको। अरे भैया आप ही नहीं बोलेंगे तो फिर कपड़ा कैसे देंगे? नहीं आप दुकानदार हैं, आप कपड़ा का नॉलेज आपको है, हम लोग तो पहनने वाले हैं, जैसा दीजिएगा वैसे ना पहन लेंगे। तो कुछ भी दे देगा। तो यहां फिर क्या क्या लेना है वो, हाँ उसके स्टॉक में कितने प्रकार के रंग बिरंगे और डिजाइन के कपड़े हैं वो कपड़ा वाला जानता होगा, लेकिन कपड़े लेना है इतना तो पता है ना कस्टमर को कि छठ पूजा के लिए कपड़ा लेना है, कि दिवाली के लिए लेना है, कि किसी के आरती के लिए कपड़ा लेना है, कि होली के लिए लेना है, कि दूसरे पर्व त्योहार के लिए लेना है, कि पूजा पाठ के लिए लेना है कोई। उसके बाद जिस चीज की जानकारी नहीं होती है, अच्छा कोई और भी कुछ खास बात है तो दिखाइए नया नया, तो वो दिखाना पसंद करता है। तो जब पढ़ने आते हो तो कम से कम ये तो इतना तो पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है अगला, वो चैप्टर किस किस दूसरे किन किन दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। अच्छा ये चैप्टर को आपने मातृभाषा में कैसे समझे वो कम से कम उतना प्रयास करो। और अपने शिक्षकों के माध्यम से समझने का कोशिश करो कि हर शिक्षक के पास क्या है, तब उनसे ले पाओगे। मुझसे भोजपुरी लेके कोई क्या करेगा जो भोजपुरी समाज का खुद ब खुद है, मुझसे हिंदी लेके कोई क्या करेगा जो खुद बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, जो चाहिए वो तो लेना पड़ेगा। मैं बोर्ड में ताबड़तोड़ मैथमेटिक्स कर देता हूं, कोई ये तो मुझसे ले कि सर इतना जल्दी आपको ये प्रश्न का ये जो प्रश्न था इसका उत्तर कैसे पता चला, तो मैं वो तरीके बताऊंगा। यहां तो होता ऐसा है कि मैं कदम उठाता हूं और मैं खुद प्रयास करता हूं कि भाई रुको ठहरो मैं सारी बातें बता के भेजूंगा। ये तो मातृत्व ये तो कहा जाएगा कि मदरहुड वाला बात हो गया। जो माँ होती है ना जो बच्चे को क्या चाहिए मार पीट के भी देके भेजती है, क्योंकि वो माँ को पता है लास्ट में बेटा तो उसी का होगा, तो बेटी तो उसी की होगी। समाज वाला शायद कहेगा कैसी सख्त माँ है, थोड़ा जीने देती, मिट्टी में लोट ही तो रहा था क्या बुरा था। मिट्टी में लोटना बुरा बात नहीं है, लेकिन मिट्टी में लोटने का जिद कल कहीं उसे बहुत जिद्दी बुरा इंसान ना बना दे। तो जो आज बच जाएगा तो वो किसी भी तरह उस चीज को हटाएगी। अब उस बच्चे को उसने कहा बेटा उठ जाओ, नहीं उठा, बेटा उठ जाओ नहीं करो, नहीं किया उसने, फिर भी नहीं माना, तो मारपीट किया किसी तरह, उसको फटकार लगा के उसको ठीक किया उसने। दो तीन दिन जब डांट पड़ा तो उसको धीरे से आदत पड़ गया बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चे को उतनी बोध तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं। तो ऐसे प्रकार से यहां पे एजुकेट किया जा रहा है। जब जो व्यक्ति एक साथ तीन तीन टॉपिक को साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति एक घंटे के अंदर 100 कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है, और उन कॉन्सेप्ट्स को जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और फिर भी भयभीत हो रहे हैं, और वो बच्चे मन में सोच के आएंगे एक कपट छल का पोटली लेके कि उसी व्यक्ति को फिर हम कल बुर्बक बना के बेवकूफ बना के समझा देंगे, ये कैसा उचित बात हुआ। मुझको भी कोई ज्ञान देगा क्या? देगा सही है, लेकिन वो उसके पास ज्ञान देने की बात तो होनी पड़ेगी। सीखने के लिए कुछ लेके जाने के लिए कल तैयारी करके आना पड़ेगा, भले एक क्वेश्चन ही सोल्व करने के लिए क्यों ना आया जाए। हाँ सर से आज या टीचर से अपने क्वेश्चन सोल्व करवा के लेके जाना है,
जो उद्देश्य रहित आएगा, विदाउट ऑब्जेक्टिव आएगा, जो जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के रिसोर्सेस का, यहाँ के बेंच डेस्क, यहाँ के चौक पेंसिल बोर्ड, जो भी रिसोर्सेस हैं, किसी का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, वो दुरुपयोग ही करेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए ये सोच पर कहां पनपती है, ये सोच किसके अंदर होती है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ लेके जाना है, उसके अंदर जो अपने परिवार का, अपने माता पिता का वर्तमान जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार अपने आगे के परिवार के भविष्य में कुछ करने के लिए, योगदान देने के लिए सोचता है। सोचो बस, सोचना, सोचने में कल सुबह नहा धोवा के काम पे जाने की जिम्मेदारी वाली बात नहीं होती, बस सोचना, जो सोचेगा भी नहीं। लेकिन तुम्हारे माता पिता को तो सोचना भी है, और भले 40 डिग्री की गर्मी हो या कम हो, काम पे तो जाना है, पर तुम लोगों के पास तो बिस्तर में लेट के बस सोचना ही ना है भाई, वो तो काफी आरामदायक है। कितने साल सोचना है, जब तक कि पढ़ाई पूरी ना हो जाए, इससे आसान काम कौन सा हो सकता है भाई। पापा को आके बोले, पापा क्या, तो पापा पूछे क्या बात, तो तुम लोग कहे कि तुम में से किसी ने कहा 5500 रुपए की फीस हो गई है। पापा बिस्तर पे चले गए, बोले बेटा आम लेके आया हूं पका हुआ, उसको छील के थोड़ा सा काला नमक छिड़क के और थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर डाल के एक प्लेट में, कांटा चम्मच फोक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, डाल के और बिस्तर के सामने जो मेरा टेबल है वहां पे ला के रख देना, खा के मैं सो जाना चाहता हूं थोड़ा। तुम्हें आश्चर्य हुआ, पापा मैंने अभी अभी कहा 5500 रुपए के फीस की नोटिस आई हुई है, तो पापा बोले इसीलिए तो जा रहा हूं कुछ करने के लिए। क्या जा रहा हूं, कंबल में खा पी के सोचता हूं कैसे दिया जाएगा। तब बुद्धिमान बन जाओगे, तब कहोगे क्या पापा, किस काम के पापा आप हैं, ये कोई तरीका है, सो कुछ कीजिए, इतना इंसल्ट हो रहा है मेरा स्कूल में, फीस फीस फीस, हर रोज हर सप्ताह में आके स्कूल वाले जब एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि फीस दे दो फीस दे दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा बोले अच्छा बेटा सोच रहे हैं ना, कुछ रास्ता निकाल रहे, सोच रहे हैं, सोचना उचना नहीं आप दीजिए मुझे, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुमको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा, ए बेटा सोचो। सोचता हुआ अगर तुम लोगों ने दिखा दिया, मान लो ऐसे ही मम्मी एक मिनट ऐसे ऐसे हो, और मम्मी आई, मम्मी ने पूछा क्या हो रहा है, मम्मी सोच रही हूं या सोच रहा हूं, लड़की है, लड़की से बोले सोच रही हूं, क्या बात है, सोच ये रहा हूं या रही हूं कि कितना काम तुम करती हो, काश मैं पढ़ लिख के बहुत कुछ बन जाती ताकि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाता और मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती। मम्मी बस उतना ही, और उतना खाली बोल के देखो, उतना बस बोल के देखो, और उसके बाद मम्मी जो तुमको ये बोलने आई थी कि जाके बर्तन धो दो, वो मम्मी बोलेगी आ बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, छोड़ो ये सब सोचना, थोड़ा आराम करो, सोचना भी बंद करवा देगी, कहेगी सोचो भी मत, और उल्टा बर्तन मजवाने के लिए बोलने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे सोचने के कारण इतनी संतुष्ट हो गई कि जो तुम पापा को रजाई में घुसता हुआ अंसाए हुए थे ना 5500 रुपया के लिए, उसका यहां ओपोजिट हो रहा है, वहां गुस्सा रहे क्या निकम्मे पापा ही है, रजाई के अंदर घुस के बैठ गए, कह रहे कि सोच रहे हैं, पैसा नहीं दे देना चाहिए, रखे तो है 10,000 रुपये पॉकेट में। अरे वो तुमको क्या पता कि वो पापा किस बिजनेस के लिए रखे हुए हैं कि दो पैसा आए तब तो कमा के फिर 5500 रुपया देंगे, बच्चा क्या समझेगा, उसको तो लगता है तो है तो है। उसी पर अब पेरेंट्स भी अगर तानाशाही अपनाने लगे, बोले कि अरे सुनो हॉस्टल में स्कूल भेजे ना, हाँ भेजे, ट्यूशन हुआ, फिर इसका किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, बैग है, सब कुछ है,
मार्क क्यों नहीं आया तुम्हारा? अगर वो भी इसी तरह करने लगे तो पेरेंट्स को ये पता है कि तुम्हारे पास अभी सोचने का समय है, और सोच के ही तुम लोगों को, अब ऐसा तो नहीं है कि कौन बहुत अच्छा आंसर लिखेगा उसको 6-7 हज़ार रुपए का महीना मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आंसर आंसर लिखो, सैलरी नहीं चाहिए तुम लोग को, ऐसा तो कहानी नहीं है ना भाई। स्कूल रोजाना आया करो, फीस कैसे मिलेगा तुम लोगों को, ऐसा तो कहानी नहीं है, ऐसा तो नहीं। तो माने जो भी करो गुड्डे गुड्डी की खेल है, जब तक पढ़ाई मतलब गुड्डा गुड्डी का खेल, जो आंसर लिखते हो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई उतना बड़ा प्रेशर वाला बात तो नहीं है कि 2 रुपए कमा के ही लेके आ जाना है, लेकिन जब तक उसके बाद यही गुड्डा गुड्डी का खेल को तुम लोग उस दृष्टि से, मतलब मैं कह रहा हूं कि परेशानी के दृष्टि से, लेकिन एक पेरेंट्स को कोई फरमान ला के सुना देगा भाई इस बच्चे के 25,000 रुपए सालाना फीस है, ये देना, ये लास्ट समय आ चुका है, अब उनके लिए तो वो एग्जाम जो जिस एग्जाम में तुमको 90% लाना है उससे तो इजी, ये लाना इजी है ना, वो 25,000 रुपया अगर उनके पास कभी रास्ता ही नहीं है तो उनको तो कर्ज लेके पैसा देना पड़ेगा, वो तो ज्यादा कठिन है, रात भर पढ़ के 90% लाना तो इजी है, ज्यादा ज्यादा क्या है ब्रेन ही ना यूज करना है, लेकिन वो कितनों ब्रेन यूज कर ले, छाप लेंगे क्या 25,000 रात भर में, 90% तो छाप दोगे, ये सब कुछ सोच देता है मित्रों। और ये सोच कब आता है, जब सोच की कदर की जाएगी, जब विचार की कदर की जाएगी, किसी के बात की कदर की जाएगी। सोच तो शब्दों का माला है, और जब शब्दों का आदर सम्मान नहीं किया जाएगा तो किसी का सोच का सम्मान नहीं होगा, और जब सोच की सम्मान नहीं है तो तुम जिससे कुछ सीखने को आ रहे हो उसको कभी पहचान नहीं पाओगे, और हर उठपटांग काम करोगे जिससे उस व्यक्ति जिससे तुम्हें कुछ लेना है उसके नजर में भी गिर जाओगे, फिर वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सोच बना के बैठ जाएगा, इसका तो कुछ नहीं होना है।